नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबर उत्तराखंड से। सबसे पहले हल्द्वानी के वन भूलपुरा से ये खबर, जहां पर अतिक्रमण हटाने को लेकर रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का ये मामला है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने अतिक्रमण हटाने और कब्जाधारियों को हटाने की वकालत की है। अपने हलफनामे में सरकार की ओर से कहा गया है कि रेलवे स्टेशन के विस्तार और यात्रियों की सुविधा के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। साथ ही वंदे भारत जैसी ट्रेनों को चलाने के लिहाज से भी अवैध कब्जों को हटाना जरूरी है। कुमाऊं में रेलवे, साथ ही ये भी है हलफनामा में कि कुमाऊं में केवल हल्द्वानी स्टेशन ही एक ऐसा स्टेशन है जिसका विस्तार किया जा सकता है। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर हजारों परिवारों ने अवैध कब्जा किया है और बिना इन्हें हटाए यहां पर रेलवे स्टेशन का विस्तार नहीं हो सकता। और अब बात आदमखोर टाइगर के टेरर की, तो बाघ का आतंक वैसे तो पूरे उत्तराखंड में दिखाई दे रहा है, लेकिन भीमताल के आसपास तीन महिलाओं का शिकार होने के बाद ग्रामीण दहशत में हैं। ऐसी दहशत जिसे बयां करना भी मुश्किल है। देखिए न्यूज 18 की स्पेशल रिपोर्ट। खूबसूरत झीलों से घिरे भीमताल शहर के आसपास ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की रातें हैं कुछ इसी अंदाज में गुजर रही हैं। सूरज ढलने से पहले ही आदमखोर ग्रामीण इलाकों के आसपास दस्तक दे रहे हैं, जिसके खौफ से लोगों के दिन का चैन और रात की नींद दोनों हराम है। दबे पांव दस्तक दे रहा ये आदमखोर अभी तक दो महिलाएं और एक 20 साल की लड़की को अपना निवाला बना चुका है। हालात इतने खराब हैं कि पूस की इस कड़ाके की ठंड में लोग दिन दहाड़े धूप की तपिश के बीच भी अपने आंगन तक में बैठने से डर रहे हैं, क्योंकि आदमखोर की दहशत अंदर तक घर कर गई है। क्या चल रहा माहौल इलाके में? हम आजकल बहुत डर लगने हैं और हमारे गांव में बार बाघ घूमते रहना, कतु गाय बच्ची लमार हाले और कुत्ते भी मार हाले, क्योंकि हम रात रात को बाहर नहीं आ सकन। हम बुढ़वाड़ी हैं और घर में बहुत हमको डर लगे। चारों तरफ बाघ घूम रहे हैं, कहीं कोई कह रहा है कि यार दो तीन बाघ घूम रहे हैं। देखिए अभी ये अलचौना में कल एक महिला को मारा गया है, उससे पहले मलवा ताल में और पिंडरों में एक एक महिला को मारा गया है। 10 दिन में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई हैं, तो और प्रशासन की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे। कभी घूम रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हम सरकार से ये मांग करते हैं, पूरी भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम 1972 को उसका सरलीकरण किया जाए और जो जानवर हिंसक हो रहे हैं उन्हें तुरंत तुरंत मारने का आदेश जारी करे। स्थानीय लोग बच्चों, बुजुर्गों और अपने पालतू जानवरों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। खौफ के साए के बीच लोग एक दूसरे को सहारा दे रहे हैं, यहाँ तक कि सुबह देरी से जागने और शाम को जल्द घरों में कैद हो रहे हैं ताकि आदमखोर का निवाला बनने से बच सकें। रह रहा है चारों ओर से, शाम को आना जाना मुश्किल हो गया है। बच्चों की बच्चे थोड़ा देर से आते हैं तो हमेशा डर बना रहता है। बाघ की आवाज़ शाम तक बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता जा रहा है दिन पे दिन। इससे सरकार को इसके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस समय बाघ बहुत ज़्यादा मांसाहारी हो गया है। लोगों से विनम्र निवेदन है ग्रामवासियों से कि अपने को सतर्क रहते हुए अपने झुंडों में गाँव को जाएं और अपनी सावधानी के साथ अपने मतलब साधन और वो लेके गांव को और अपने मतलब व्यवस्था से सावधान रहे। जाहिर है भीमताल ब्लॉक की पिंडरो न्याय पंचायत से लेकर अलचौना, चाफी, मेहरा गांव से लेकर चोलीकोट, सूर्याजाला, सलड़ी और रानीबाग तक बाघ और गुलदार की दस्तक देखी जा रही है। वन विभाग ये तय ही नहीं कर पाया है कि तीन महिलाओं का शिकार कर चुका आदमखोर बाघ है या गुलदार। ये आदमखोर फॉरेस्ट की टीम के साथ आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। 10 किलोमीटर के दायरे में 14 दिनों के अंदर ये तीन महिलाओं को अपना शिकार बना चुका है और अभी भी कई गांवों में दस्तक दे रहा है। ऐसे में रात का एक खूब अंधेरा भीमताल के ग्रामीणों के लिए काल के दस्तक देने जैसा है।
पेश। ये रात का वक्त है, किस तरीके से लोग रहते हैं आसपास, बिल्कुल सुनसानी है इस समय। ये अंधेरा आप देख रहे हैं, पूरी तरीके से सुनसानी है। दूर दूर आपको लाइट जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन आबादी काफी दूर, यानी एक घर से दूसरे घर की दूरी काफी ज्यादा होती है, तो ऐसे में जो कम्युनिकेशन होता है वो नहीं होता एक दूसरे का। और ये जो दूरी है और ये जो अंधेरा है, ये बाघ के लिए या गुलदार के लिए बिल्कुल मुफीद माहौल तैयार कर देता है। ऐसे में ग्रामीण डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं इस अंधेरे का फायदा उठा करके बाघ या गुलदार उन पर हमला न बोल दे। निगी, न्यूज 18 भीमताल। आदमखोर के आतंक के बीच भीमताल और इससे सटा ग्रामीण इलाका जहां पर लोग डरे सहमे हैं। वन विभाग और जिला प्रशासन के कर्मचारी लगातार इलाके में गश्त कर रहे हैं। दहशत के बीच रात के अंधेरे में वन विभाग के कर्मचारी जगे हुए नजर आ रहे हैं। रात भर जगह जगह अलाव जलाकर वन कर्मी डटे हुए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। भीमताल से सटे हुए ग्रामीण इलाकों में एक आदमखोर की दहशत लगातार बनी हुई है, जिसके चलते वन विभाग पूरी तरीके से सतर्क है। इस समय रात हो चुकी है, लेकिन जो फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं वो पूरी तरीके से अलर्ट हैं। और इस समय मैं फॉरेस्ट की एक चौकी में मौजूद हूं, जो कि उसी इलाके से सटी हुई है जहां पर कल एक 20 साल की लड़की को एक आदमखोर ने शिकार बना दिया था। और इस समय देखिए, यहां पर क्योंकि ठंड का समय है और अलाव जला करके ये फॉरेस्ट के कर्मचारी यहाँ पर अलर्ट हैं, क्योंकि इसी रोड से टू व्हीलर वाले भी जाते हैं और भी गाड़ी वाले जाते हैं और पैदल लोग भी सफ़र करते हैं उसी गांव की तरफ, अलचोना की तरफ को, और ये भीमताल को जोड़ती है सड़क। इसलिए फॉरेस्ट के कर्मचारी यहाँ पर सतर्क दिख रहे हैं। आप ये बताइए कि आप किस तरीके से सतर्कता बरत रहे हैं यहाँ पर? जी, हम ये रहते हैं, रात को हम जगे रहते हैं और कई दिक्कत आने में नेटवर्क नहीं पड़ पाते हमारे, कई दिक्कत आती हैं। अभी घंटे पहले 4:30 बजे तेंदुआ कूदा वहाँ से, वो कूदा नाली की तरफ, पिकअप था हमें 10-18 नंबर की गाड़ी है, उसमें निगी नाम का लड़का है मेरे साथ, उसने वहाँ से कूद मारी है बाइक से, नीचे निकल के नदी तरफ और पैदल आता, मेरे को कर देता नहीं वाला। लेकिन आप सतर्कता बरत रहे हैं, फिर भी जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं उनसे आप टू व्हीलर वालों से कहते हैं कि सावधानी से? हम हर व्यक्ति से कहते हैं सावधानी से चलिए आप, और रात के समय में मतलब पैदल ना आए करें और अपने घरों में भी सुरक्षित रहें। आदमखोर की दहशत ऐसी है कि लोगों की रात की नींद हराम हो गई है। सुबह लोग देर से उठ रहे हैं और रात भी लोगों की जल्दी हो जा रही है, क्योंकि लोगों को डर है कि आदमखोर कभी भी आ सकता है और कहीं उनके किसी परिजन पर हमला भी बोल सकता है, क्योंकि वो अभी तक 3 लोगों पर हमला बोल चुका है जिनकी जान जा चुकी है। शैलिनी, न्यूज 18 भीमताल। इधर विकासनगर की कालसी वन प्रभाग की तिमली रेंज के जंगल में इन दिनों हाथियों की चहलकदमी बढ़ गई है, जिससे जंगल के पास बनी रिहायशी कॉलोनी के लोग दहशत में हैं। वन प्रभाग हाथियों की बढ़ती तादाद को जंगल के लिए अच्छे संकेत बता रही है। वहीं वन विभाग ने जंगल के पास गश्त बढ़ा दी है। इसी के साथ वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथियों को उकसाने की हरकत न करें। इधर ऑफिस में तैनात पुलिस कर्मचारियों को अब हर रोज अपने काम का ब्यौरा देना होगा। पुलिस मुख्यालय ने एक ऐसा सर्कुलर जारी किया है, जिससे अब पुलिस हेडक्वार्टर, सीआईडी और पटेल भवन में तैनात पुलिस कर्मचारी हैरान हैं। पटेल भवन में पुलिस विभाग से जुड़े अधिकांश ऑफिस हैं, जिन्हें अब हर घंटे अपने काम का ब्यौरा अधिकारी के पास हार्ड कॉपी में लिखकर देना होगा, जिस पर समीक्षा भी हर हफ्ते होगी, जिसके लिए बकायदा पुलिस हेडक्वार्टर ने एक फॉर्मेट तैयार किया है, जिसे हर दिन भरकर विभागीय अधिकारी को देना होगा। साल 2024 में उत्तराखंड एक और रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके साफ संकेत दे दिए हैं। उत्तराखंड की धामी सरकार ने सबसे पहले पहल करते हुए मई 2022 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया। तब से करीब 3 बार कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया गया। यूं तो कमेटी बहुत पहले ही अपना काम पूरा कर चुकी है, लेकिन किसी न किसी वजह से मामला लटकता रहा और कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट नहीं सौंप पाई।
लेकिन अब खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि कमेटी से उनकी बातचीत हुई है। यूसीसी कमेटी जनवरी में सरकार को ड्राफ्ट सौंप देगी। जैसा यूसीसी कमेटी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी से हमारी बात हुई है, उन्होंने संभवतः हमको कहा है कि जनवरी माह में हमको जो है अपना ड्राफ्ट दे देंगे और उसके बाद जो भी अन्य औपचारिकताएं होती हैं औपचारिकता करने के बाद हम उसको विधानसभा में लाएंगे, विधानसभा का सत्र आहूत करेंगे और यूसीसी लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। देखिए, यूसीसी उत्तराखंड देवभूमि से लागू हो इसकी पहल उत्तराखंड से हो रही है। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उन्होंने इस विषय को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जनवरी में ड्राफ्ट प्राप्त हो जाएगा। शुरू से हम लोग कह रहे हैं जैसी ड्राफ्ट प्राप्त होगा तो विधानसभा के पटल पर रखते हुए उसको कानून का एक यानी कि बहुप्रतीक्षित यूनिफॉर्म सिविल कोड का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जनवरी में ड्राफ्ट मिलने के बाद सरकार इसे न्याय विभाग को भेजेगी। न्याय विभाग इसे बिल का स्वरूप देते हुए कैबिनेट के पास भेजेगा। कैबिनेट से पास होने के बाद विधानसभा में बिल को पास कराना होगा और फिर राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में लागू हो जाएगी। उसको विधानसभा के पटल पर रखा जा सकेगा और विधान जब भी विधानसभा का सत्र आहूत किया जाएगा उस पर उसमें जो तीन मुख्य चरण हैं पुनर्स्थापन विचार और पारण की प्रक्रिया के पश्चात उस विधेयक के विधानसभा द्वारा पारित होने के उपरांत माननीय राज्यपाल का अनुमोदन। यूनिफॉर्म सिविल कोड हमेशा से बीजेपी के कोर एजेंडे में रहा है और देश में पहली बार उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये कानून लागू हो सकता है जिसके अगले चुनाव से पहले बड़े मूव के तौर पर देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से बड़ी खबर, यहां विधानसभा सचिवालय में फेरबदल हुआ है। विधानसभा सचिव मोहम्मद दानिश ने पद छोड़ दिया है। सचिव विधायी के पद पर तैनात हैं मोहम्मद दानिश, जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया। विधानसभा सचिव का दानिश के पास अतिरिक्त प्रभार था। मोहम्मद दानिश का प्रमुख सचिव विधायी में हुआ प्रमोशन। स्पीकर रितु खंडूरी ने दानिश को रिलीव कर दिया है। उप सचिव हेम पंत बनाए गए हैं विधानसभा के प्रभारी सचिव। इधर जोशीमठ से लगभग 20 किलोमीटर पहले हेलंग से मारवाड़ी पुल तक 5 किलोमीटर का बाईपास बनाया जा रहा है। इस बाईपास के बनने से 40 किलोमीटर का सफर तीर्थयात्रियों को अब आसान हो जाएगा। इस बाईपास में 290 मीटर लंबा पुल भी बनाया जा रहा है जो उत्तराखंड में पहला सबसे लंबा वायर डक्ट पुल होगा। इस पुल को पहाड़ से जोड़कर बनाया जा रहा है ताकि पहाड़ों के साथ ज्यादा छेड़खानी न हो। और देहरादून से आज की एक और बड़ी खबर, जमीन धोखाधड़ी मामले में उद्योगपति सुधीर बिंडलास अरेस्ट किए गए। सीबीआई ने गिरफ्तारी की है सुधीर की। बिंडलास के खिलाफ देहरादून के अलग अलग थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि 6 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। सभी मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की बात की और सीबीआई को इस जांच की जिम्मेदारी सौंपी। सीबीआई ने जांच के बाद बिंडलास के कई ठिकानों पर छापे मारे। जांच पूरी होने पर सीबीआई ने सुधीर बिंडलास को गिरफ्तार किया। शुक्रवार को अब सीबीआई अदालत में पेशी होगी। पर्यटन नगरी मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाने की कवायद जोरों पर है, लेकिन अभी भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें हल किए बिना नगर पंचायत की राह आसान होती नजर नहीं आ रही। देश दुनिया के सैलानियों की पसंद मुनस्यारी को नगर पंचायत बनाने की कोशिश भले ही पहले भी हुई हो, लेकिन अब पर्यटन नगरी को नगर में तब्दील करने की ईमानदार कोशिश हो रही है। हरीश रावत सरकार में भी इस इलाके को नगर बनाने का ऐलान हुआ था, लेकिन लोगों के विरोध को देखते हुए सरकार ने हाथ खींचना ही बेहतर समझा। ऐसे में अब जब मुनस्यारी को नगर बनाने की कवायद अंतिम दौर में है तो कई दिक्कतें भी रोड़ा बन रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत है गांव और शहरी इलाकों का परिसीमन। उन ग्राम सभाओं का कहना था कि हमारे पूरे भूभाग को नगर पंचायत में शामिल कर लिया जाए या नगर पंचायत से हमको अलग कर दिया जाए। दूसरा हमारा था
कि वहाँ पे जो लोग बरसों से सरकारी जमीन में रह रहे हैं तो उन लोगों के जमीनों का आपका नियमितीकरण की कार्रवाई कर दी जाए। असल में मुनस्यारी में सैकड़ों परिवार दशकों से सरकारी जमीनों पर रहते हैं, लेकिन अभी तक भी उन्हें जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल पाया है। ऐसे में लोगों को डर है कि नगर में तब्दील होने पर उनके आशियाने संकट में आ सकते हैं। यही नहीं, ये इलाका वन पंचायतों के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में वन पंचायतों की स्थिति में किसी भी तरह के बदलाव का स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि लोगों की दिक्कतों को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ा जाएगा। मुनस्यारी के नगर पंचायत बनाने की नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके लिए जितना भी एरिया उसमें शामिल हुए हैं तो उसमें आपत्तियां हम लोगों ने इनवाइट किए थे, कुछ 3-4 लोगों ने उसमें आपत्तियां दी हैं, तो कल उसी की सुनवाई की गई थी और उनकी आपत्तियों का भी निस्तारण किया गया है। बेहतर पर्यटन स्थल होने के कारण मुनस्यारी को नगर पंचायत की दरकार लंबे समय से है। नगर पंचायत नहीं होने से ये इलाका जरूरी सुविधाओं से भी महरूम है। नतीजा ये है कि पर्यटन कारोबार भी खासा प्रभावित होता है। ऐसे में लोगों की दिक्कतों को केंद्र में रखकर ही नगर पंचायत की राह में आगे बढ़ा जाए तो बेहतर होगा। न्यूज 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।